अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफ़ियत से होंगे। आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि ख्वाब के अंदर शहद देखना कैसा है, या ख्वाब के अंदर शहद लोगों के दरमियान तकसीम करना कैसा है, या ख्वाब के अंदर शहद खाना ये कैसा है, या ख्वाब के अंदर देखता है कि शहद उसको किसी ने दिया है, तो इनकी क्या ताबीरात हो सकती हैं। चलती हैं ताबीरात की तरफ। इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं, जज़ाकुमुल्लाह। देखिए नाज़रीन, ख्वाब के अंदर कोई बंदा शहद देखता है, वो देखते हैं कि उसके पास बहुत ज़्यादा शहद है, तो इसकी ताबीर ये है। अलामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शख्स कहीं से इसी कदर हलाल मीरास पाएगा, इतनी जितनी शहद देखता है उसी के बकदर जो है इसको कहीं से हलाल मीरास मिलेगी। या ख्वाब के अंदर देखता है, अलामा करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर बंदा ख्वाब के अंदर अपने पास शहद देखता है तो वो फरमाते हैं कि इसकी ताबीर ये है कि ये शख्स उसी कदर इल्म और दानिश हासिल करेगा, इल्म और हिकमत हासिल करेगा, इल्म को हासिल करेगा। या ख्वाब के अंदर कोई देखता है कि शहद लोगों के दरमियान तकसीम कर रहा है तो इनकी ताबीर ये है कि इस शख्स से लोग, इसके इल्म से लोग फ़ायदा हासिल करेंगे, इसके इल्म और दानिश और हिकमत से लोग फ़ायदा हासिल करेंगे। या ख्वाब के अंदर देखता है कि शहद उसको किसी ने दी है तो इसकी ताबीर यह है कि शख्स उस शख्स से इल्म हासिल करेगा, इल्म और हिकमत और दानिश हासिल करेगा। या ख्वाब के अंदर अपने आप को शहद खाते हुए देखता है तो इसकी भी ताबीर यही है कि ये शख्स कहीं से इल्म हासिल करेगा, कुरान और हदीस का इल्म हासिल कर सकता है, इसके अलावा और भी जो मुफीद इल्म है इसके लिए वो हासिल कर सकता है।